Hello everyone. So now we are going to solve the first question of Cauchy. In the previous session, we have covered the format of Cauchy. So Cauchy is an important chapter which we have learned in the previous session, and format plays a very vital role for solving the questions. So जब कभी भी आपके सामने Cauchy का questions आए, तो सबसे पहले आपको ये check करना है कि question में production या sales units में दिए हैं या नहीं. फिलहाल हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ अमाउंट ही दिया होगा, यूनिट्स नहीं दिया होगा. तो हमारी पहली लेवल है क्वेश्चन नंबर वन से, एंड दैट इज यूनिट्स गिवन इन द क्वेश्चन और अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम पहले सॉल्व करने वाले हैं कि अमाउंट दिया है, फिर सेकेंड वैरायटी में हम जाएंगे जहां पे आपको यूनिट्स दिए होंगे, और थर्ड वैरायटी हमारी होगी एस्टिमेटेड क्वेश्चन. ये तीन लेवल में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने कल जो प्रीवियस सेशन लिया था उसमें हमने सीखा था कि ये आपका फॉर्मेट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो आंसर मिलता है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आंसर मिलेगा वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो आंसर मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ यू ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स इफ यू ऐड प्रॉफिट यू विल गेट द आंसर एज सेल्स. सो दैट वॉज द फॉर्मेट विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सो दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. From the information of Ashish, prepare cost sheet for the year ended 31st March 2020. You have many points in the question. अब सबसे पहले कुछ adjustments हैं, उसको ध्यान से देख लेते हैं कि the manager's time is shared between factory and office in the ratio of 20:80. तो managers का जो time है factory और office में share हो रहा है. तो factory और office में share हो रहा है, ratio क्या है? Ratio है 20:80. तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना है मैनेजर से रिलेटेड कोई पॉइंट है या नहीं. तो आपके क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मैनेजर से रिलेटेड एक पॉइंट दिख रहा है मुझे, दैट इज कॉल्ड मैनेजर सैलरी. सो आई हैव अ पॉइंट इन द क्वेश्चन कॉल्ड एज मैनेजर सैलरी, दैट इंडिकेट्स ये जो मैनेजर है इसके दो पॉइंट होंगे. 20:80 का रेशियो है, ओके, 20:80. कुछ पार्ट इसका फैक्ट्री में जाएगा, कुछ पार्ट इसका ऑफिस में जाएगा. तो फैक्ट्री में कितना जाएगा? 20, और ऑफिस में कितना जाएगा? 80. तो यहां पे मैं लिखता हूं फैक्ट्री में जाएगा 20% एंड ऑफिस में जाएगा 80%. ओके, सो दैट इज द बाइफर्केशन. पहला स्टेप है आपको एडजस्टमेंट्स ध्यान से देखना है. कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड्स रुपीज 7500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी. कैरेज आउटवर्ड में आपका 7500 इंक्लूड है, तो सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड को एक मार्किंग कर लेते हैं जैसे आप फाइनल अकाउंट में मार्क करते हो. सो मार्किंग इंडिकेट्स कि हमें याद रहे कि एक एडजस्टमेंट है. सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हम लास्ट में सीखेंगे. अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले बाइफरकेट करने हैं कि कौन सा पॉइंट किधर आएगा. तो यहां पे मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं कि फैक्ट्री के लिए हम एफ लिखेंगे, ऑफिस वी विल राइट ओ, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गोइंग टू राइट एस. इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट किधर आएगा, एंड इट्स वेरी इजी टू राइट. एक दो क्वेश्चंस के बाद आपको कंफर्टेबल हो जाएगा. देखो जो भी पॉइंट फैक्ट्री के है वो हम फैक्ट्री में लिखेंगे. एक होता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल्स, सेकेंड वन इज डायरेक्ट वेजेस, एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगर आप ये तीनों को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलता था? आंसर वाज प्राइम कॉस्ट. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों के लिए हम मार्किंग नहीं करेंगे. फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग के लिए हम मार्किंग करते जाएंगे. देखो स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का स्टॉक, ये डायरेक्ट मटेरियल्स का पॉइंट है, वो हम बाद में लिखेंगे. परचेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट वेजेस. तो जहां पे भी इनडायरेक्ट वर्ड आएगा, इनडायरेक्ट हमारा फैक्ट्री आइटम है, तो इनडायरेक्ट के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, दैट इज फैक्ट्री. फर्दर सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ,
एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है ऑफिस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफिस। कैरेज इनवर्ड भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, तो हम वहां कुछ नहीं लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड हमारा होता है सेलिंग, तो हम यहाँ पे एस लिखेंगे। मैनेजर सैलरी तो एडजस्टमेंट है, तो हम एडजस्टमेंट से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस, सो जनरल एक्सपेंसेस हम लिखेंगे ऑफिस में। नेक्स्ट इज लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल स्वेट, तो लीगल चार्जेस, अभी इसमें दो चीजें हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ओनली लीगल चार्जेस दिया होगा तो हम ऑफिस में लिखेंगे, बट लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल स्वेट जो है वो हम नहीं लिखेंगे। इट शुड बी इग्नोर। व्हाई इट शुड बी इग्नोर? बिकॉज अभी तक कुछ डिसीजन नहीं आया है। क्रिमिनल स्वेट मतलब यहाँ पे कुछ केस है जो पेंडिंग है, तो इसका डिसीजन जब आएगा तब लिखा जाएगा, फिलहाल इसको हमें लिखना नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ लीगल चार्जेस, ओनली लीगल चार्जेस इज गिवन, वी विल राइट इन दी ऑफिस। इफ नथिंग स्पेसिफाइड, यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड किया है? क्रिमिनल स्वेट का, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमीशन ऑन सेल्स, तो ये कहाँ जाएगा? सेलिंग में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूल, फ्यूल हमारा होता है फैक्ट्री के लिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ पे दिया ही है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में ही आएगा। डायरेक्टर्स फीस, तो डायरेक्टर्स फीस हम लिखेंगे ऑफिस में। अब ध्यान रखना, डायरेक्टर्स फीस के जगह पे कभी कभी वर्ड आता है टेक्निकल डायरेक्टर्स फीस, तो अगर टेक्निकल डायरेक्टर्स फीस आया तो दैट विल बी फैक्ट्री। नेक्स्ट इज रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इज ऑल्सो फैक्ट्री। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी फैक्ट्री दिया है, ये भी हमारा फैक्ट्री होगा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस दिया है, तो आधी चीजें तो आपको करके दे दी है, ऑफिस में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिलेटेड विद फैक्ट्री। फर्दर आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर विल बी ऑफिस। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर आया तो भी ऑफिस। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन आएगा तो सेलिंग। सेल्समैन सैलरी, तो सेल्समैन सैलरी कहाँ पर आएगा? सेलिंग। ऑडिट फीस विल बी इन ऑफिस। तो पहला आपको ये करना है, अगर हम अच्छी तरीके से बाइफरकेट कर लेंगे पॉइंट्स को, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। अभी आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं वो पॉइंट्स के लिए नोट डाउन करते रहे। जैसे एक साइड फैक्ट्री लिखे, फैक्ट्री के जितने पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आए हैं वो आपके पास आंसर में होंगे, तो जो भी पॉइंट कंफ्यूजिंग लगते हैं, नए लगते हैं, वो नोट डाउन करके रखें। सिमिलरली सेलिंग के भी पॉइंट्स नोट डाउन करें, सिमिलरली ऑफिस के भी पॉइंट नोट डाउन करें। ऐसे बेसिस पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और वही पॉइंट को आप जब एग्जाम में जाओगे तब रिवाइज करके जाना है, बिकॉज फॉर्मेट तो आपके लिए काफी इजी बन जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग। सो देखो, मैंने कुछ फॉर्मेटिंग ऑलरेडी करके रखा है, सो दैट आपको वीडियो जो है हमारा लेंदी ना बने और आपको इजी तरीके से समझ में भी आ जाए। सो डायरेक्ट मटेरियल्स जो है, डायरेक्ट मटेरियल्स आपके क्वेश्चन में हमको देखना है। डायरेक्ट मटेरियल्स क्या हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है? तो मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था कि डायरेक्ट मटेरियल्स अगर हम हमारे क्वेश्चन में देखें तो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। सो डायरेक्ट मटेरियल्स के लिए हमने कल फॉर्मेट सीखा था, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सारी चीजें आपको वन बाय वन करके लिखनी है। तो ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं पहले। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है? 2,70,000। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर ओपनिंग स्टॉक अमाउंट, इनर कॉलम में लिखना है 2,70,000। फर्दर परचेजेस की अमाउंट देखेंगे तो परचेजेस की अमाउंट कितनी है? दैट इज 12,48,000। ओके फाइन, परचेजेस हो गया। आगे बढ़ते हैं परचेजेस के बाद। परचेजेस के बाद अगर हम देखें क्लोज क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड है या नहीं, तो कैरेज इनवर्ड हमारे पास क्वेश्चन में है एंड दैट इज 48,000। तो कैरेज इनवर्ड नाउ आई एम गोइंग टू राइट दैट इज 48,000। तो कैरेज इनवर्ड इज 48,000। ओके कैरेज इनवर्ड इज 48,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो क्लोजिंग स्टॉक वी चेक इन द क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक इज 3 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 3 लाख। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको वाइल सॉल्विंग, जो भी हम माइनस करेंगे उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जितना हम माइनस करने वाले हैं उतना हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सो 2,70,000 प्लस 12,48,000 प्लस 48,000 माइनस 3 लाख, तो इनको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा एंड दैट विल बी 12,66,000। इसे हम अलग से नाम दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अगर आप नीचे वाले लाइन में लिखोगे तो हम इसको नाम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम, अदरवाइज इसको हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं।
तो इन सम क्वेश्चंस यू विल हैव डायरेक्ट मटेरियल्स डायरेक्टली गिवन, बट किसी किसी क्वेश्चंस में डायरेक्ट मटेरियल्स नहीं दिया जाता, तो उसे हमें कैलकुलेट करके लिखना है। अब आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट वेजेस ढूंढते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस आपके क्वेश्चन में है 3,57,600। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आपको फॉर्मेट याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, तो फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है, उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। डायरेक्ट वेजेस हमारा कितना था, डायरेक्ट वेजेस 3,57,600। तो डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू मैंने लिखा है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेट अस सी फ्रॉम द क्वेश्चन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे दिया है आपको, दैट इज 1,20,000। 1,20,000 इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू है 1,20,000। सो इन द आउटर कॉलम 1,20,000। सो वी हैव लर्न्ड ऑलरेडी, इफ यू एड डायरेक्ट मटीरियल्स प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, you will get the answer as prime cost. तो आपको prime cost मिलेगी. So 12,66,000 plus 3,57,600 plus 1,20,000. So if you add all this, you will get the final answer, that is prime cost 17,43,600. So this is the first step of cost sheet. इफ योर प्राइम कॉस्ट इज राइट, हम अज्यूम कर सकते हैं कि आपके आगे के जो कैलकुलेशन होंगे वो राइट होंगे। तो प्राइम कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मिलेगा, अगेन आई रिपीट, डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटीरियल्स कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया नहीं जाता, तो हमने यहाँ पे देखा नहीं दिया था, तो हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फैक्ट्री के पॉइंट देखेंगे, इसलिए हमने पहले बाइफर्केट कर लिया। देखो फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के कौन से पॉइंट्स है, दिस इज ऑफ फैक्ट्री, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। सो सिक्स पॉइंट्स हमारे फैक्ट्री के हैं। तो वन वन करके वी विल राइट ऑल दी पॉइंट्स। देखो इनडायरेक्ट वेजेस हमारा फैक्ट्री है, और यहाँ पे मैनेजर सैलरी में से भी फैक्ट्री में 20% ट्रांसफर होगा, सो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट विच वी आर गोइंग टू राइट। देन फ्यूल, then electricity of factory, then repairs to plant and machinery, then rent rates and taxes of factory, then rent rates and taxes of office over here, office हम नहीं लिखने वाले, depreciation on plant and machinery, ऐसे one one point I'm going to write. So पहला point है हमारा indirect wages, तो indirect wages की amount check कर लेते हैं, it's 24,000. So indirect wages is 24,000, so I'm going to write now indirect wages 24,000. इनर कॉलम में लिखना है, फिर उसको प्लस करके आउटर में लेंगे। मैनेजर सैलरी बाद में कैलकुलेट करके लिखेंगे। फ्यूल की अमाउंट लिखते हैं, फ्यूल की अमाउंट है 96,000। इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट है 72,000। रिपेयर्स टू प्लांट दैट इज 63,000। नेक्स्ट इज फैक्ट्री रेंट, that is 18,000. Next is depreciation on plant, that is 45,000. So all the points we have written. अब manager salary देख लेंगे। देखो 72,000 आपके managers का salary है, 72,000 is the amount in the question. From this 72,000, 20% is of factory and remaining 80% is of office. So 72,000 का 20% आप अगर ढूंढोगे तो दैट विल बी 14,400 आपका फैक्ट्री में जाएगा, और बाकी का जो बचेगा 80% दैट विल बी 57,600 ये आपका ऑफिस में जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे 14,400, तो 14,400 हमारा मैनेजर्स का सैलरी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14,400। ओके, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद ऐड करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस ऑल पॉइंट्स अकॉर्डिंगली। सो आफ्टर एडिंग दैट यू विल गेट द आंसर, टोटल करना है आपको, जो टोटल आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखना है, दैट इज 3,32,400।
सो दिस इज वॉट दिस इज द टोटल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. सो जितने भी हमारे फैक्ट्री के पॉइंट्स है, तो ये जो भी पॉइंट हमने लिखे हैं इन सबको हमने ऐड कर लिया. आफ्टर एडिंग ऑल दिस हमें आंसर मिला 3,32,400 का. सो आफ्टर दैट ध्यान से कैलकुलेशन, प्राइम कॉस्ट में ये जो वैल्यू है ये प्लस करना है. तो आई एम राइटिंग ओवर हियर प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. अगर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज वर्क्स कॉस्ट. तो दैट विल बी योर वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट. तो 17,43,600 प्लस 3,32,400 द आंसर कम्स टू 20,76,000. दिस इज अवर वर्क्स कॉस्ट. अगेन आई रिपीट, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, योर आंसर विल बी प्राइम कॉस्ट. फाइन, दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप. प्राइम कॉस्ट का जो आंसर मिला उसमें आपको प्लस करना है फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, वो हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क्स कॉस्ट. तो अभी हमें मिल गया वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट आने के बाद ऑल ओवरहेड्स ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाउ. सो जहां पे भी हमने अभी ओ लिखा होगा वो सारी चीजें हम अभी कंसिडर करने वाले हैं. सो ओ के लिए एक बार चेक कर लेते हैं. दिस इज ओ फॉर ऑफिस, दिस इज ओ फॉर ऑफिस. डायरेक्टर्स फीस, रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑडिट फीस और एक मैनेजर्स की सैलरी. एक एक करके सारे पॉइंट्स, तो इसके अमाउंट्स हम एक एक करके लिखते जाएंगे. मैनेज सैलरीज टू स्टाफ, पहला पॉइंट है सैलरीज टू स्टाफ. तो सैलरीज टू स्टाफ यहाँ पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कितना है, 60,000. तो 1-1 पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट नाउ सैलरीज टू स्टाफ. That is 60,000. मैनेजर सैलरी हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट वॉज 57,600. फिर हमारा जनरल एक्सपेंसेस है, जनरल चार्जेस है, दैट इज 37,200. फिर हमारे डायरेक्टर्स फीस का अमाउंट है 36,000. फिर हमारा रेंट है, ऑफिस रेंट, दैट इज 9,600. देन इज अवर फर्नीचर 3,600. देन इज अवर ऑडिट फीस 18,000. लेट अस चेक वंस द अमाउंट विच वी हैव रिटन. सो सैलरीज टू स्टाफ इज 60,000. मैनेजर सैलरी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 57,600. देन डायरेक्टर्स फीस इज 36,000 विच वी हैव रिटन करेक्टली. देन रेंट, रेंट्स एंड टैक्सेस इज 9,600 फॉर ऑफिस. देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज अगेन 3,600 एंड ऑडिट फीस इज 18,000. तो अगेन सारे एक्सपेंसेस या सारे ओवरहेड्स लिखने के बाद आपको टोटल करना है. सो इन सभी चीजों को अगर हम ऐड करेंगे, ऑल दिस इफ यू ऐड यू विल गेट द टोटल, दैट विल बी टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तो ये कितना होगा, दिस कम्स टू 2,22,000 इन द सेकेंड कॉलम. सो टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स काफी लेंथी फॉर्मेट है, बट जितने पॉइंट्स आप करेक्ट सॉल्व करोगे उतने पोस्टिंग के आपको मार्क्स मिलेंगे. वर्क्स कॉस्ट में दिस वैल्यू यू हैव टू ऐड. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स. सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,76,000 प्लस 2,22,000, दैट कम्स टू 22,98,000. दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिला है. सो कैसे मिला, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया प्राइम कॉस्ट. हाउ डू यू गेट प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आएगा. प्राइम कॉस्ट में क्या प्लस करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो क्या मिलेगा, वर्क्स कॉस्ट. फाइन, वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या प्लस करना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। पहले चेक कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके क्वेश्चन में है या नहीं। इफ इट इज नॉट अवेलेबल हम डैश रखेंगे या नील लिखेंगे। फिलहाल हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे लिखेंगे डैश, यहाँ पे भी लिखेंगे डैश, सेम वैल्यू अगेन वी विल राइट 22,98,000। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज कॉल्ड एज COGS। तो COGS की वैल्यू हमेशा सेम नहीं आएगी, COGS की वैल्यू चेंज होगी, बट सिंस हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है इसीलिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो सेम है। एंड द लास्ट एक्सपेंस कम्स ओवर हियर इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के लिए देखते हैं, सबसे पहला सेलिंग के लिए एक्सपेंस एस वाले पॉइंट लिखेंगे। सो सेलिंग के ज्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं है। कैरेज आउटवर्ड है मार्क समथिंग ओवर हियर, स्टार मार्क आपको दिख रहा है, ये हमने एडजस्टमेंट में से मार्किंग किया था। सो लेट अस रीड द एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सो कैरेज आउटवर्ड में 7,500 इंक्लूड है, तो आपका कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 37,500 दिस वन। सो 37,500 में 7,500 जो है दैट इज कैरेज इनवर्ड। सो एक्चुअली कैरेज आउटवर्ड कितना हो जाएगा, एक्चुअली कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा 30,000। सो 30,000 हमारा कैरेज आउटवर्ड है तो हम भी 30,000 ही लिखेंगे। फिर आप सोचेंगे कैरेज इनवर्ड में 7,500 ऐड करना चाहिए था, वहां ऐड क्यों नहीं किया? बिकॉज कैरेज ऑन मशीनरी जो है वो कैपिटलाइज हो जाता है, इसीलिए कैरेज इनवर्ड में वो ऐड नहीं करना है। सो अभी हम कैरेज आउटवर्ड के अमाउंट लिखते हैं। पहले कैरेज आउटवर्ड कितना है, कैरेज आउटवर्ड दैट विल बी 30,000। कैरेज आउटवर्ड इज 30,000। नेक्स्ट पॉइंट इज एस वाला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, कमीशन ऑन सेल्स एक पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी लिखा है, एंड सेल्समैन सैलरीज एक पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो कमीशन ऑन सेल्स और सेल्समैन सैलरीज, तो सेलिंग में थोड़े एक्सपेंसेस कम होते हैं यूजुअली। यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स की अमाउंट इज 28,000 एंड सेल्समैन सैलरीज का अमाउंट इज 50,000। देन वी हैव टू ऐड ऑल दिस, ये तीनों को आपको ऐड करना है अगेन जैसा हमें फैक्ट्री में ऐड किया सिमिलर वे। So that comes to 1,08,000. So that we can write in the outer column now. 22,98,000 plus 1,08,000. This both we have to add. So COGS plus selling and distribution overheads. You will get the answer as cost of sales. 22,98,000 plus 1,08,000. That comes to 24,06,000. That is your cost of sales. Quickly revise the format. We are going to revise all these points. So how do we get prime cost? Prime cost is nothing but addition of three points. Number one, direct material. Number second, direct wages. Number third, direct expenses. After adding all this, we'll get the answer as prime cost. After getting prime cost, calculate the total of factory overheads. तो प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क्स कॉस्ट। फिर वर्क्स कॉस्ट मिलने के बाद हम ऑफिस के एक्सपेंस लेंगे, ऑफिस के एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, वर्क्स कॉस्ट में ऐड करेंगे। वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विल गेट द आंसर एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आफ्टर गेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी आर गोइंग टू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods will get the answer as COGS, which is called as cost of goods sold. After getting cost of goods sold, the final expenses is selling and distribution. So after adding all the total of selling and distribution in COGS, we will get the answer as cost of sales. ये जो cost of sales है, इसको हम total cost भी बोल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट का मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए ये सारे एक्सपेंसेस हमें लगे हैं, और उन एक्सपेंसेस में से भी हमने बाइफरकेट कर लिए कि फैक्ट्री के खर्चे इतने, ऑफिस के इतने, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड द प्रॉफिट एंड देयर वाज एन एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन। सेलिंग प्राइस इज
120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये कुछ अलग अलग तरीके से एडजस्टमेंट्स आते हैं, हम सारे एडजस्टमेंट्स एक एक करके कवर करेंगे। अब बोला है सेलिंग प्राइसेस 120% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहां पे सेल्स में हम लिखेंगे 120% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो जो सेलिंग प्राइस है 120% होगा। सो अभी हमें कैलकुलेट करना है किसका 120%, ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स था 24,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 120%, सो यू विल गेट द सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंगली द वैल्यू कम्स टू 28,87,200। यू कैन कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर, द वैल्यू इज 28,87,200। दिस इज अवर सेलिंग प्राइस विच वी हैव कैलकुलेटेड। तो अभी हमें प्रॉफिट ढूंढना है। देखो कैसे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, ये सेल्स के वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू को आप लेस करोगे। 28,87,200 माइनस 24,06,000, द बैलेंसिंग फिगर इज 4,81,200, दैट इज योर प्रॉफिट। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉशिट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। Quotient will be for 20 marks in the paper. You will get question as we have already discussed. There are three levels and first level we have started with the amount. Formatting important है, जब तक आपका format clear नहीं होगा ये solving थोड़े से difficult होंगे और ये points आपके लिए comfortable हो जाएंगे धीरे धीरे जैसे हम हमारे sessions में आगे बढ़ेंगे। Thank you very much from this session. Next session में मिलेंगे कुछ नए points के साथ, नए adjustments के साथ साथ।